हेलो फ्रेंड्स, एमएक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी दुकान का अगर कैश मेमो और या बिल बुक बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को स्टार्ट करना होता है। जब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एमएस वर्ड का, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा पेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेज बनकर आ गया है। और उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना दोस्तों, पेज का मार्जिन लेना होता है और पेज का साइज लेना होता है। तो पेज का साइज मार्जिन लेने के लिए हमें जाना होता है पेज लेआउट के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज लेआउट दिया हुआ है और यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और जाएंगे मार्जिन सेक्शन के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर मार्जिन दिया हुआ है और मार्जिन पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस आ गया है। और नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कस्टम मार्जिन दिया हुआ है, कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप पे हम क्या करते हैं 0.2 कर देते हैं और बटन में भी 0.2 कर देते हैं और लेफ्ट में भी 0.2 कर और राइट में भी 0.2 करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से पेज सेटअप करेंगे, पेज लेंगे, पेज का साइज, और देखेंगे यहाँ पे साइज लिखा हुआ है और सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे साइज पे। और यहाँ पे नीचे जब जाएंगे ना देख दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे मोर पेज साइज दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, मोर पेपर साइज दिया हुआ है और इस पर हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस होगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विड्थ हाइट दिया हुआ है, हमें पेपर का साइज कितना लेना है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 4.5 और 5.5 और यहां से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारा यहां पे पेपर का साइज बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद से हमें यहां पे डिजाइनिंग बनाना होता है कैश मेमो का। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से जाते हैं इंसर्ट में। देखिए दोस्तों, इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे एक टेबल दिया हुआ है और टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कुछ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कुछ टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, हम ये सारे ऊपर वाले कलम को, ये ऐसे ऊपर वाले कलम को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे लेआउट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है और लेआउट में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे मर्ज सेल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मर्ज सेल दिया हुआ है। दोस्तों, हम जब किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाएंगे तभी हमारा मर्ज सेल आएगा। तो हम सिंपल मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा एक यहाँ पर कलम बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद से दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और उसके बाद से थोड़ा एंटर मारते हैं। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे हम लिखना चालू कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं GST। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर GST नंबर लिख दिया। उसके बाद से हम यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नंबर लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस बिल लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हम डेट लिख चुके हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से जाते हैं और ये GST को हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और डेट को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटा कर लिया। और टैक्स इनवॉइस बिल को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा बड़ा करेंगे और अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और अपने अनुसार स्पेस के सहारे हम इसे थोड़ा अपने अनुसार इसे सेट कर लेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और उसके बाद से हमें क्या करना आता है, यहाँ पर नाम लिखना होता है। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कृष्णा। तो देखेंगे, यहाँ पे हम नाम लिख चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे नाम को और यहाँ पे सेंटर में ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, और इसको हम फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस नाम को हम बड़ा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ELECTRI हटा देंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों, और इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसका हम स्टाइल बदल देते हैं। यहाँ पे जाएंगे फ़ोन स्टाइल पे और यहाँ से क्या करेंगे, हम फॉन्ट स्टाइल कम कर कुछ अलग कर देंगे और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, और उसके बाद से देखेंगे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से हमें एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से हम नीचे यहाँ पर आएँगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। देखिए दोस्तों, और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसमें हम लिख देंगे एड्रेस। तो एड्रेस लिखते हैं। चलिए,
तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम एड्रेस लिख चुके हैं, तो इसके लिए हम ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं देखिए दोस्तों, और इसे हम क्या करते हैं इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, और इस एड्रेस को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा इसे छोटा कर लेंगे, होम पेज के अंदर जाएंगे और इसे छोटा कर देंगे देखिए दोस्तों। और उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम आउटलाइन हटा देंगे, जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और शेप में जाएंगे और यहाँ से नो शेप फिल कलर कर देंगे और यहाँ से नो आउट कलर कर देंगे देखिए दोस्तों। यहाँ से इसका आउटलाइन भी हट गया और इसका शेप कलर भी हट गया, और इसको थोड़ा क्या कर लेंगे यहाँ पर ऊपर कर देंगे। और उसके बाद से हमें क्या करना होता है, फ़ोन नंबर लिखना होता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ जैसे ही ड्रैग करेंगे ना तो हमारे पास एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद से चलिए हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे इस पे फ़ोन नंबर को यहाँ से लाएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे देखिए दोस्तों। दोस्तों देखेंगे हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लाएंगे और यहाँ पे कर्सर लाएंगे और इसे थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे कर्सर को और यहाँ पे हम लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें नेम लिखेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हम नेम लिख चुके हैं। उसके बाद से हम एड्रेस लिखेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हमारा एड्रेस भी लिखा गया। उसके बाद से फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिख देते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिख चुके हैं। उसके बाद से हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेट लिख देते हैं और यहाँ से दोस्तों देखेंगे हमारे पास यहाँ पे डेट भी लिखा गया। उसके बाद से हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा गया। उसके बाद हम ईमेल आईडी लिख देते हैं यहाँ पे। दोस्तों देखेंगे हमारे पास इतना काम हो गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा हम यहाँ पे लाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा इसे हम एंटर करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों इतना हमारा काम हो गया है। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर लाएंगे और यहाँ से बैक स्पेस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सीरियल नंबर। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख चुके हैं और इसमें हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पार्टिकुलर्स भी लिख गया है। और उसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे क्वान्टिटी और इसमें हम लिखेंगे दोस्तों रेट और इसमें हम लिखेंगे दोस्तों अमाउंट। दोस्तों इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाएंगे और इसको ऐसे छोटा कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे छोटा करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे देखिए दोस्तों, और इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। और उसके बाद से क्या करेंगे, ये सारे टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे हम अलाइनमेंट में जाकर और यहाँ से अलाइनमेंट टॉप सेंटर कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉप सेंटर कर लिए। दोस्तों देखेंगे हमारे पास इतना काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर लाएँगे और कर्सर लाने के बाद इतने को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देते हैं। सेलेक्ट कर हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के सामने आ रहा है देखिए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल लिख चुके हैं और टैब बटन दबाएंगे और एक बार फिर टैब बटन दबाएंगे तो फिर देखिए हमारे पास एक ऐसा फिर एक रो बनकर आ गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट लिखा गया। उसके बाद से हम फिर टैब प्रेस करेंगे और फिर एक बार टैब प्रेस करेंगे और फिर टैब प्रेस कर इसमें आएंगे और इसमें अब लिख देते हैं हम जीएसटी। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जीएसटी लिख चुके हैं। उसके बाद से फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर एक बार एंटर प्रेस करेंगे और इसमें आएंगे और इसमें लिख देंगे सब टोटल। और क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम पेज में जाएंगे और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे सारे को, इतने को और इतना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से हम जाएंगे लेआउट में और लेआउट में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे मर्ज सेल लिखा हुआ है। हम सिंपल मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे और फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद से दोस्तों इसको यहाँ पे लाएंगे और ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज कर लेंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे मर्ज कर लेंगे। देखेंगे दोस्तों हमारा इतना काम यहाँ पे हो गया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कर्सर को लाएंगे और यहाँ से टेप प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक और कलम रो बनकर तैयार हो गया है। और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल फिर कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मर्ज सेल दिया हुआ है और सिंपल यहाँ पे फिर मर्ज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं इन वर्ड्स। दोस्तों देखेंगे हमारा यहाँ पे इन वर्ड्स लिखकर आ गया है। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से फिर टेप प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक और बक्स सामने आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ से पकड़ेंगे और इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से मार्जिन को ऊपर लेंगे और इसे थोड़ा ऊपर करेंगे और एक पेज लेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। देखिए दोस्तों और यहाँ पे आएंगे और इसे दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से मार्जिन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और क्या करेंगे दोस्तों, इसे दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज सेल कर देंगे। देखिए दोस्तों और देखेंगे हमारा एक सेल बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे यहाँ पर इन शॉर्ट में और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से ड्रो टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम सिग्नेचर लिख देंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम सिग्नेचर लिख चुके हैं और इसका क्या करते हैं, इसका आउटलाइन हटा देते हैं। तो जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं और यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं। और इसको ऐसे थोड़ा छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ पर इसे लाएँगे और जाएंगे फिर यहाँ पे इंसर्ट में और यहाँ से शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए दोस्तों और इसका कलर हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, यहाँ से इसका कलर कर देते हैं हम ब्लैक। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारा फाइनली एक बिल बुक बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।